अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी मैं अपने सेटअप में आ चुका हूँ। मुर्गी के आगे मैं थोड़ी देर पहले आया था, इसकी सीट इसके आगे डाल के गया पानी भी, और अभी भी मुर्गी पता नहीं क्यों उछल रही है। तो पता नहीं है मुझे, पर इसके आगे हम इसके जो दूसरे दाने वगैरह डाला करते थे वो डाल देते हैं जो इधर हैं इस शॉपर में, तो इस कुंडे से मैंने निकाल लिए। अब इसके आगे डाल देते हैं। ये मैंने मुर्गी के लिए सिर्फ रखे हुए हैं, बच्चे तो नहीं खा सकते अभी, वो छोटे हैं। तो सिर्फ ये मैं मुर्गी के आगे डालता हूँ। तो इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया और बाकी जो है वो मैंने इधर ही रखते हैं, ठीक है। इसको उसकी अपनी जगह पे लगा दूँगा, ये कुंडा इसकी मदद से उधर लटकाता हूँ। अच्छा, अब ये मैं डालता हूँ उधर। ये चूजे तो नहीं खा सकते, ये सिर्फ मुर्गी खाएगी, ये मुर्गी के लिए, क्योंकि मुर्गी जिस तरह छोड़ आ रही थी मैंने सोचा उसको उसको अलग चीज़ दे दूँ ताकि वो खा ले, नहीं तो इसने ऐसे ही छोड़ आ रहना है। तो अब मैंने इसके आगे ये डाल दिया, तो अब ये खाएगी और चूज़े भी खा रहे हैं यार दाने बीच में से उठा उठा के, तो सही है यार खाएं। तो इसको बंद कर देते हैं, पहले मैं इनके आगे डाइट डाल चुका हूँ ला के। माशाल्लाह से दोस्तों चूज़ों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से हो रही है, जो मैं खुश हूँ जो देख के, ठीक है। और अभी इस तरह से है कि इनको पानी वगैरह डालना होगा, वो मैं थोड़ी देर तक आके डाल दूँगा। और अभी ये जो मेरे पास ये शॉपर है इसको लटका देता हूँ मैं वैसे उधर ही। तो अभी ये मैं चलता हूँ सेटअप के अंदर, इसको पहले इधर लटकाते हैं ऐसे। ये रही ये लटकी सामने। अब सेटअप के अंदर जाते हैं, जहाँ की सेटअप की अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। कल के ब्लॉग को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि हमारी जो पैरेट है उन्होंने अंडे वगैरह दे दिए हैं, ठीक है। तो बड़ी खुशी हुई, ठीक है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कल वाला ब्लॉग कैसा लगा और अंडे देख के कैसा फील हुआ। तो अब आज की डाइट है, इनकी फेवरेट डाइट है, जो आज मैं अपने परिंदों को देने वाला हूँ, ये चेक करें। तो इसमें मैंने सारी दालें रात को भिगो के रख दी थी, मतलब कल पिछली रात को भिगो के रखी थी, जो 48 घंटों में मैंने भिगो के रखी, ठीक है। उनको अच्छे से पहले सुखाया अब सुबह, तो फिर उसमें मैंने एक अंडे को बॉईल करके, ठीक है, इस तरह से छोटा छोटा काट के मैंने इसके आके डाल दिया, ठीक है। डाला तो नहीं है, अभी इसमें मिक्स किया, फिर अभी मैं परिंदों को आगे डालता हूँ जाके से। तो अभी सेटअप के अंदर चलते हैं। सेटअप का दरवाज़ा देखें बंद है, और ये जो सेफ्टी हमने लगाई हुई है इसको इधर से निकालते हैं। चलो तो अब जाते हैं अंदर और ये वाली डाइट आके अपने परिंदों के आगे डाल देते हैं। ये अभी मैं डाल रहा हूँ अपने परिंदों को काफ़ी टाइम के बाद, ये सारी चीज़ें मिक्स करके। पता नहीं इसे खुशी से आज ये खाएंगे या नहीं खाएंगे, डालते हैं इनकी। मतलब ये डालना तो है, मैं काफ़ी टाइम के बाद ये डाल रहा हूँ। सारे परिंदे माशाल्लाह से एक्टिव में बैठे हुए हैं, और अब इस तरह से है कि मैं अपने ये वाला जो पेयर है इसने माशाल्लाह से मेरे पास दो एग दे दिए हैं, तो बड़ी खुशी हुई मुझे। मैंने चेक किया, दूसरा एग भी इसका आ चुका है। अच्छा सेटअप पर देखे नीचे गंद, मैंने इस पहले सफाई की है सारी, ठीक है, गंद सारा ख़त्म कर दिया। इसको डाइट भी दे दी है, इसको भी डाइट और पानी दे दिया, ठीक है। और ये कुछ पड़ी हुई है जो भी मैं इसको और इन दोनों को और दूसरी तरफ जो अकेली सॉरी मेल है उसको दूँगा। अभी ये देखें, ये चेक करें, ये इसमें जो है इनकी जो डाइट मतलब जो खुराक है वो अच्छी तरह पड़ी हुई है, और सिर्फ इधर इसमें मुझे ये डाइट डालनी है, ठीक है, इस प्लेट के अंदर। तो अभी मैं जैसे इसके आगे डालूंगा, इन्होंने मुझे लगता है ये खाएंगे खुशी के साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये डाल रहा हूँ इनके आगे। तो अब डालते हैं जल्दी से इस प्लेट में। ऊपर देखें, मैं ये वाली जो जगह है इसको पिंजरे के साथ मैंने लगाया था कि पिंजरा जो है इसके साथ टेक लग जाएगी और ये आगे की तरफ नहीं आएगा, पर अभी ये आगे की तरफ आ रहा है, ऊपर से उसको तोड़ दिया उन्होंने। तो अब उसको तोड़ के नेस्टिंग ले गए हैं अंदर बना के, ठीक है। फीमेल भी बाहर आ गई है इसकी, तो ये फीमेल कैसे बैठी हुई है पता नहीं क्या। अब पता नहीं ये कब हमारे पास एग ले करेगी दूसरे पेयर के। तो माशाल्लाह से आ चुके हैं हमारे पास, और ये वाला मेल है वो भी मेल है। अच्छा, अब इनके आगे ये डाइट डालनी है, तो सबसे पहले इसके आगे डालते हैं। चलो जी ऐसे ये, तो अब ये डाल दिया काफ़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके आगे भी डाली है, ठीक है। इतनी दूसरों के आगे भी डालूंगा यार, मुझसे गलती हुई है कि मैंने ज़्यादा मकदार में बना लिए डाइट, ताकि इतना ही बना था कि हमारे परिंदे जो है इसे आराम से खा लेते, इंशाल्लाह खाएंगे ज़रूर। अभी ये वाला देखें, इसको भी डालता हूँ प्यार, इसको भी डाइट वगैरह मैंने नहीं डाली पहले, ठीक है। बाकी जो ग्रीन रेग नेक थे इन दोनों को मैंने दे दिया, खुराक वगैरह इनकी पड़ी है, और डाइट में इनके अभी डाल रहा हूँ, ठीक है।
और वैसे रहे जैसे मैं इसको मार रहा हूँ। तो ये डाइट इसके आके डाल दिए मैंने। लोग तो यार आपको पता है एक एक चम्मच के हिसाब से देते हैं और मैं काफ़ी सारे देता हूँ, ठीक है। अब भी मेरे चिंदे ब्रीड ना करें तो यार फिर पता नहीं क्या क्या बोलूँ इन्हें। तो अब ये इतनी चीज के आके डालूंगा, इतनी जो मकदार में एक पेयर आके डाल रहा हूँ, इतनी मकदार में काफ़ी सारे लोग अपने परिंदों को एक पेयर को देते हैं, ठीक है। तो जो मैं इसके आगे भी इतनी डाल रहा हूँ। अभी इस तरह से है कि इसके आगे भी डाइट दे दी है मैंने, ठीक है। अब ये एक मेल केरल है क्या, तो इसको भी मैं अब ये डाइट तो नहीं खा सकता पर इनके आगे ही डालूंगा जो रहती है मेरे पास, ठीक है। ये ठीक है, थोड़ी थोड़ी और डाल देता हूँ इनके आगे। तो बस देखें काफ़ी मकदार में डाल चुका हूँ, अब ये खाएँ या ना खाएँ पर मैं इनके आगे भी डाल रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जो बच गई है मेरे पास और, ये देखें ये दूसरों के आगे भी इसी तरह ही डालूंगा ताकि ज़ाया होती है। या मेरा दिल है कि यार ये मुर्गी को डाल दूँ बाहर जाके, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में मुर्गी को डाल देते हैं बाहर, मुर्गी की अभी एक्ट तो है यार डाइट खाने का, तो डालेंगे उसके आगे शायद खा ले। ये मैं लेके बाहर आ चुका हूँ, तो अब ये मुर्गी के आगे डालते हैं, ठीक है। अपने जो चूज़े हैं हमारे, ये बीफ हमारी जो परिंदों की डाइट है खाएँ, तो बस सारी डाल दी इनके आगे। देखो मुर्गी क्या करती है, खिलाती है बच्चों को या नहीं, पर ये कि मैंने सारे इनके आगे डाल दिए जो रहती थी। बाकी अब मैंने अपने परिंदों को डाइट भी दे दी है और उनका पानी वगैरह भी चेंज कर लिया है। ये वाली डाइट मेरे परिंदों की बहुत ही फेवरेट थी, ठीक है, जो आज मैंने अपने परिंदों को दी है। तो आज मैंने ये दी, तो एक दिन मैं जो है छोड़ के सब उस दिन में मैं सब्जियाँ दूँगा, यानी कल मैं सब्जियाँ दूँगा और उसके अगले दिन फिर यही डाइट दूँगा। और इंशाल्लाह हमारे पास हमारे पैर ने एग ले कर दिया है जो हमें खुशी हुई है देख के। तो अब दोबारा से वो जल्दी दूसरा एग भी ले करेगा, मुझे उम्मीद है कि पता आज लेकर भी लिया हो। तो बाकी इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हमारा दूसरा जो अल्बानो राइस प्लेट का पैर है वो भी जल्द से इंशाल्लाह एग ले कर देगा, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नई वीडियो में, तो हमें याद रखना अपने पहले भाई को। अस्सलाम वालेकुम।